एंड लाइक अ फूल आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ प्लेट। गवर्नर बोलते हैं, और मैं मूर्ख की तरह तुमको प्लेट में सजा सजा कर इन्फॉर्मेशन देता रहा। वेल समबडी डिड, हाँ किसी ने तो दिया होगा। सो यू सी सर, दैट करेक्शन स्लिप किल टू लिटिल बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, डिडन्ट इट। और इस करेक्शन स्लिप ने हमारे लिए एक तीर से दो निशाने मारने का काम किया। द नेम ऑफ द होटल फॉर मी, मुझे इसी करेक्शन स्लिप से होटल का नाम पता चला। एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्ज़ाम स्टार्टेड फॉर, और एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम ये पता चला। द गवर्नर नोडेड, गवर्नर ने सिर हिला दिया और बोला, इट्स अ प्रीटी कॉमन वर्ड, ये बहुत ही कॉमन वर्ड था। गुड जॉब, इट इज़ प्रीटी कॉमन, हाँ बहुत ही कॉमन वर्ड था सर। और आई हैड नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू, वुड आई, ये बहुत ही कॉमन वर्ड था, वरना मैं कैसे जानता कि मुझे कहाँ आना है। नाइस नेम दो, जूम गोल्डन इन लोवेन, बहुत अच्छा नाम है, गवर्नर ने कहा अच्छा नाम है, जूम गोल्डन इन लोवेन होटल का नाम है ये। हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लॉयन इट वॉज, देयर्स हंड्रेड्स ऑफ हिम। अब इवांस ने पूछा कि आपने कैसे जाना कि यही गोल्डन इन लॉयन होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ, यहाँ तो सैकड़ों गोल्डन इन लॉयन नाम के होटल हैं। सेम एज यू इवांस, तो गवर्नर ने जवाब दिया, जैसा तुमने जाना। इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, रिमेंबर गवर्नर बोल रहे हैं कि इंडेक्स नंबर 313 और सेंटर नंबर 271 याद है ना तुमको, सिक्स फिगर का है ये। एंड इफ़ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्ड शायर, यू फाइंड दैट द सिक्स फिगर रिफरेंस 313 हैश 271 लैंड्स यू बैंग इन द मिडिल ऑफ चीपिंग नॉर्टन। अभी ये गवर्नर बताते हैं कि अगर ऑक्सफोर्ड शायर मैप में देखा जाए तो उसमें 313/271 है ना, ये कहाँ दिखाई देगा आपको, चीपिंग नॉर्टन के मिडिल में गोल्डन लॉयन ये वाला होटल है, यही पता चल रहा है कि यही होटल है। यस यू आर राइट, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो वी हैड होप्ड यूड रन ऑफ न्यूबरी, इवांस ने कहा कि हमें लगा कि आप न्यूबरी चले गए हैं। वी डिड, हम पहुंच भी गए थे, हम चले भी जाते। वी दैट्स वेल दैट्स समथिंग आई सपोज, हाँ मुझे लगा भी कि आप ऐसा करते, ऐसा इवान ने बोला। दैट क्वेश्चन पेपर इवांस, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल दैट जर्मन, आई कुड हार्डली। गवर्नर ने कहा, इवांस क्या उस क्वेश्चन पेपर में जो जर्मन में लिखा हुआ था क्या तुम सब समझ गए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ना ऑफको ना कोस आई कुड नॉट, नहीं मुझे समझ नहीं आया। आई न्यू रफली वॉट इट वॉज ऑल अबाउट, मुझे मुश्किल से ही दो चार शब्द ही अच्छे से समझ में आए, बाकी कुछ भी समझ नहीं आया। बट वी जस्ट होप्ड इट हैड थ्रो अ फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क्स, यू नो सॉर्ट ऑफ मडल एवरीबडी अ बिट, और ये लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए इसमें जर्मन में लिखा हुआ था। द गवर्नर स्टूड अप, गवर्नर खड़े हो गए। टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो, एक चीज जाने से पहले मुझे एक चीज बताओ, हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड, तुमने इतना सारा खून जो सर पे मैकलेरी के सर पे जो डाला वो खून कहाँ से लाया, वो ब्लड आप आखिर तुमने कहाँ से लाया।
इवान सडनली लुक्ड अ लिटिल हैप्पियर, इवान थोड़ा खुश हो गया इस सवाल से। क्लेवरर सर, और बोला उसने चालाकी सर, वेरी क्लेवरर, दैट वॉज हाउ टू गेट अ कपल ऑफ पिंट्स ऑफ ब्लड इन टू अ सेल, ये ब्लड सेल में लाना चालाकी का काम था। वैन देयर्स नन देयर टू स्टार्ट ऑफ विथ एंड वैन द इन्विजिलेटर शैल वी से गेट्स सर्ज्ड बिफोर कम्स इन, यस सर यू कैन वेल आस्क अबाउट दैट एंड आई डू नो इफ आई ऑट टू टेल यू, आफ्टर ऑल आई माइट वॉन्ट टू यूज दैट पर्टिकुलर। वो बोला सर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दो तू, लेकिन हो सकता है कि मैं इस ट्रिक को फिर से दोबारा यूज़ करूँ। एनीथिंग टू डू विद अ लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स, गवर्नर बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि पाइल्स के लिए जो रबर रिंग लाया गया था उसमें कुछ था। इवान्स ग्रीन फिबली, इवान्स मुस्कुराने लगा और बोला क्लेवर दो वॉजंट इट, बिल्कुल सही है। मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिकिंग अ कपल ऑफ पिंस, बहुत ही चालाकी का काम था ये। ना यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, नो बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ना इट्स द क्लॉटिंग, क्लॉटिंग का प्रॉब्लम था, यू सी दैट्स द बिग ट्रबल, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि ये जो ब्लड है वो क्या होता, वो जम जाता थोड़ी देर में। वी गॉट द ब्लड इजी इनफ पिग्स ब्लड, क्योंकि उसमें पिग का ब्लड था, सुअर का खून था जो बहुत जल्दी जम जाता है। इट वॉज फ्रॉम द स्लाटर हाउस इन किंडलिंगटन, किंडलिंगटन में जो स्लाटर हाउस है वहाँ से इस पिग के ब्लड को लाया गया था। बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग यू हैव गॉट टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड, और इस पिग के ब्लड को, सुअर के ब्लड को क्लॉटिंग से रोकने के लिए हमें खुद के ब्लड को मिक्सअप करना था उसमें। इवान्स टुक अ ब्रेथ, इवान्स ने थोड़ी सांस ली, विद 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट, डिंट नो दैट डिड यू सर, और उसमें उन्होंने मिलाया 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट मिलाया। इस प्रकार उन्होंने क्या किया कि पिग के ब्लड को क्लॉटिंग से रोका। द गवर्नर शुक हिज हेड इन अ टोकन ऑफ रिलक्टेंट एडमिरेशन, वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, गवर्नर अब सारी बातों को सुनते रहे और प्रशंसा किए कि बहुत चालाकी का काम था। और उन्होंने कहा कि हम रोज़ हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। दे टेल मी कम ऑन माय लैड, इवान्स मेड नो शो ऑफ रेजिस्टेंस एंड साइड बाय साइड द टू मेन वॉक्ड स्लोली डाउन द स्टेयर्स, और अब गवर्नर ने कहा अब चलो साथ में। इवान्स ने मना भी नहीं किया, बिल्कुल साइड बाय साइड होकर के दो आदमियों के साथ दोनों चलने लगे डाउन द स्टेयर, सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। टेल मी इवान्स हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस, अब गवर्नर ने पूछा कि तुमने ये सब प्लान को कैसे मैनेज किया। यू हैव हैड नो विजिटर्स, तुम्हारे पास कोई मिलने भी नहीं आते थे। आई हैव सीन टू दैट, मैंने देखा कोई मिलने भी नहीं आते थे। यू हैव हैड नो लेटर्स, तुम्हारे पास कोई लेटर भी नहीं आता था। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स दो, इवान्स बोला मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, गवर्नर बोले क्या मतलब है। मी जर्मन टीचर फॉर स्टार्ट, इवान्स ने बताया मेरे जर्मन टीचर, जैसे मेरे जर्मन टीचर वो भी मेरे दोस्त थे। यू मीन
बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज. गवर्नर बोले लेकिन वो तो टेक्निकल कॉलेज के हैं. वॉज ही इवांस वॉज ऑलमोस्ट इंजॉइंग इट ऑल नाउ एवर चेकअप ऑन एम्सर. और इवांस इन सब चीज़ों में इंजॉय करता रहा. गॉड अलमाइटी देयर्स फॉर मोर गोइंग ऑन देन आई ऑलवेज विल बी सर. एवरीथिंग रेडी आज द गवर्नर एज दे स्टूड बाई द रिसेप्शन डेस्क. सब कुछ तैयार है, गवर्नर ने कहा, सब कुछ तैयार है. द वैंस आउट द फ्रंट सर, सेड द प्रिटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट. अब ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट जो थी उसने कहा कि वैन तैयार है सर बाहर में. इवांस विंग्ड एट हर, इवान ने उसको एक आँख मारा. एंड शी विंग्ड बैक एट हिम, और उसने भी फिर उसको आँख मारा. इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे, इससे उसका दिन बन गया इवान का. अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ्ड द रिकैप्चर्ड इवांस. और एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर आया और उसने हथकड़ी लगा के इवांस को कैप्चर कर लिया, फिर से पकड़ लिया. एंड टुगेदर द टू मेन क्लैम्बर्ड ऑकवर्डली इन टू द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन. और प्रिजन वैन में उनको बैठा दिया गया. टू मैन, दो मैन, दो आदमी चढ़े और प्रिजन वैन के पीछे की सीट में बैठ गए उसको लेकर के, इवांस को लेके. सी यू सून इवांस, इवांस फिर मिलेंगे. इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ द गवर्नर वर सेइंग फेयरवेल टू एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर अ कॉकटेल पार्टी. अब इवांस, गवर्नर ने इवांस को अलविदा कहा. चियरीरो सर, आई वॉज जस्ट वंडरिंग, आई नो यू आर जर्मन्स प्रिटी गुड सर. अब इवांस बोलने लगा, आपका जर्मन बहुत अच्छा है सर. बट डू यू नो एनी मोर ओ दिस मॉडर्न लैंग्वेजेस. नॉट वेरी वेल, वाई? नहीं, उतने अच्छे से नहीं जानता. मॉडर्न लैंग्वेज के बारे में जानते हो क्या, पूछ रहा है. तो बोले नहीं, उतने अच्छे से नहीं जानता हूँ. इवान सेटल्ड हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट. इवान कंफर्टेबली पीछे की सीट में बैठ गया. एंड ग्रिन्ड हैप्पीली, नथिंग रियली, और खुशी से मुस्कुराने लगा. आई जस्ट हैपन टू नोटिस दैट यू हैव गॉट सम ओ लेवल इटालियन क्लासेस कमिंग अप नेक्स्ट सेप्टेम्बर, दैट्स ऑल. और कहने लगा कि अब ओ लेवल इटालियन क्लास होनी चाहिए सेप्टेम्बर से, नेक्स्ट सेप्टेम्बर से. परहैप्स यू वॉन्ट बी विद अस नेक्स्ट सेप्टेम्बर. इवांस, गवर्नर बोले कि शायद तो नेक्स्ट सेप्टेम्बर में हमारे साथ नहीं होंगे. जेम्स रॉड्रिक इवांस अपीयर टू पॉन्डर द गवर्नर्स वर्ड्स डीपली. जेम्स रॉड्रिक इवांस थोड़ा विचार में पड़ गया गवर्नर की बातों से. नो परहैप्स आई वोंट बी, वोंट ही सेड. इवांस बोला शायद मैं ना हूँ उस समय. एज द प्रिजन वैन टर्नड राइट फ्रॉम चीपिंग नॉर्टन ऑन द ऑक्सफोर्ड रोड द हिदर टू साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अनलॉक्ड द हैंड कफ्स एंड लीन्ड फॉरवर्ड टूवर्ड्स द ड्राइवर. जैसे ही प्रिजन वैन चीपिंग नॉर्टन से राइट टर्न ली ऑक्सफोर्ड रोड पर, उसी तभी क्या हुआ कि जो प्रिजन साइलेंट प्रिजन ऑफिसर थे, जो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर था, उसने उसकी हथकड़ियों को खोल दिया और ड्राइवर के तरफ झुका और बोला फॉर क्राइस्ट से गेट अ मूव ऑन. भगवान के लिए गाड़ी बहुत तेज चलाओ. इट वोंट टेक एम लॉन्ग टू फाइंड आउट. बहुत फास्ट चलाओ गाड़ी. वेयर डू वी जस्ट यू सजेस्ट वी मेक फॉर, आज द ड्राइवर. ड्राइवर बोला कि हमें किधर जाना चाहिए. इन अ ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट, और वो ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट में बोल रहा था ड्राइवर कि हमें कहाँ जाना चाहिए.
वॉट अबाउट न्यूबरी, सजेस्टेड इवांस। इवांस बोलने लगा क्यों ना हम न्यूबरी चलें। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है और इसमें इवांस आखिर भाग ही गया और जो ये साइलेंट प्रिजन ऑफिसर थे वो भी इवांस के फ्रेंड निकले। इस प्रकार इवांस पकड़ाया नहीं, फिर फरार हो गया।